सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस रूप कार्ड के बारे में। इस कार्ड को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस कार्ड को आपको लेना चाहिए या फिर आपको नहीं लेना चाहिए, क्या क्या इस कार्ड पर हिडन चार्जेस आपको देखने को मिल जाते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस कार्ड पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि फुल डिटेल से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस कार्ड को अगर आप लेने जाते हैं तो एलिजिबिलिटी आपको क्या कुछ देखने को मिल जाती है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और साथ में क्या एज लिमिट आपके पास होना चाहिए। सो गाइस, जो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए वो 21 से लगाकर 60 ईयर के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इससे अगर आपकी एज कम होती है तो आप इस कार्ड को नहीं ले पाएंगे। आपकी 21 मिनिमम एज होनी चाहिए एंड ज़्यादा आपकी जो होनी चाहिए मैक्सिमम 60 ईयर तक होनी चाहिए। एंड गाइस, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और साथ में आधार कार्ड होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। काफ़ी भाई बोलते हैं गाइस फर्स्ट टाइम मैं सिविल स्कोर बिल्ड करूंगा इस कार्ड के थ्रू ही। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस कार्ड को लेते हैं तो जो लिमिट आपको देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिलेगी और कार्ड को अप्रूवल कराने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए तभी आपको ये कार्ड अच्छी लिमिट के साथ में देखने को मिलेगा। गाइस, अब हम बात करते हैं इस कार्ड को आप कैसे ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो सिंपल से आपको ऑनलाइन वेबसाइट देखने को मिल जाती है इसकी ऑफिशियल, जो कि मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। उस पर डायरेक्टली आप जाकर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं एंड सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है ऑफलाइन का। बजाज फाइनेंस रूप ऑफलाइन ब्रांचेस पर आप जाइए, सिंपल से उधर पर बोलिए कि हमको एक कार्ड चाहिए, तो आप उधर पर सिंपल से अकाउंट ओपन कराइए एंड आपको कार्ड उधर पर अप्लाई कर दिया जाएगा, आपको कार्ड मिल जाएगा उधर से भी। सो गाइस, इन दो तरीके से आप कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। एंड गाइस, इसकी अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग फी आपको क्या देखने को मिलती है। जो इस कार्ड की गाइस ज्वाइनिंग फी आपको देखने को मिलती है वो 530 रुपीज आपको ज्वाइनिंग फी देखने को मिल जाती है। और साथ में गाइस अच्छी बात यह है कि जो इस कार्ड को अप्लाई करते हैं आप, तो इधर पर आपको 100% अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको 30 से 40 हज़ार की लिमिट आराम से देखने को मिल जाती है सभी यूजर्स को, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है इस कार्ड की। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अच्छी लिमिट देखने को मिलेगी अगर आपका सिविल अच्छा है तो। इसमें तो कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी नहीं, लिमिट वगैरह में आपको कोई भी इधर पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी खासी इधर पर आपको लिमिट देखने को मिल जाती है। गाइस, इस कार्ड को आप यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो उधर पर आपको सबसे फर्स्ट EMI की 99 रुपीज़ प्लस GST आपको चार्ज देखने को मिल जाता है फर्स्ट EMI का। ये चार्ज आपको इस कार्ड पर देखने को मिलता है अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं EMI में, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो दोनों ही में आपको ये चार्ज देखने को मिल जाता है। गाइस, अच्छी बात यह है कि इस कार्ड को आप अप्लाई करते हैं तो सिंपल से आप किसी भी प्रोडक्ट को EMI में परचेज करते हैं तो आपको 24 मंथ के लिए नो कॉस्ट EMI देखने को मिल जाती है। इस कार्ड के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं 24 मंथ के लिए। अगर आप EMI को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उधर पर आपको नो कॉस्ट EMI देखने को मिल जाती है। कोई भी आपको इधर पर फी देखने को नहीं मिलती, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। मिनिमम आपको 3 मंथ का इधर पर EMI क्रिएट करना पड़ेगा तभी आपको नो कॉस्ट EMI देखने को मिलती है। मैक्सिमम आप 24 मंथ का आराम से कर सकते हैं, इधर पर आपको नो कॉस्ट EMI की भी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। गाइस, हम बात करते हैं इस कार्ड के एनुअल फी की। अगर गाइस इस कार्ड को आप पूरे साल में, मतलब पूरे ईयर में आप यूज नहीं करते, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप यूज नहीं करते, तो जो इस कार्ड की एनुअल फी आपको देखने को मिलेगी वो 170 रुपीज़ देखने को मिलने वाली है। बट अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं एक साल के अंदर काफी वेबसाइट्स में या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से, तो ये 170 रुपीज़ आपकी वेबअप हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। कोई भी आपको एनुअल फी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं। बट अगर आप कार्ड को नहीं यूज करते तो इतनी एनुअल फी आपको इधर पर पे करनी पड़ती है। एंड गाइस, एक चीज और भी बता दूं इस कार्ड के बारे में, जब आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको E-minded साइन करनी पड़ती है। E-minded साइन होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप E-minded साइन कर देते हैं तो आपकी जो अथॉरिटी होती है बैंक की, मतलब जो भी आपका बैंक लिंक होता है इस कार्ड के थ्रू, तो सिंपल से बिना आपके परमिशन की जो भी EMI आप मतलब पे नहीं करते इस कार्ड की, तो सिंपल से आपके बैंक अकाउंट से बिना आपके परमिशन से डिडक्ट कर ली जाती है, क्योंकि ये साइन पहले ही करा ली जाती है कार्ड देने से पहले ही। तो आप फुल अथॉरिटी दे देते हो उन लोगों को कि हमारे बैंक से कार्ड लिया जाए अगर हम EMI पे नहीं करते। तो सिंपल से अगर आप EMI पे नहीं करते तो आपके अकाउंट से कार्ड लिया जाएगा, इसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी बेकार होने वाला है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं करना है, इसके इसीलिए पहले साइन करा लिया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और साथ में ये साइन कराने का चार्ज जो आपको देखने को मिल जाता है वो 118 रुपीज़ प्लस GST आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि
बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। अगर आप EMI पे नहीं करते तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है ये पैसा। और साथ में गाइस आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली अकाउंट से कट हो जाएगा, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, सिविल स्कोर खराब होना है तो होने दीजिए। सो गाइस मैं आपको बता दूं, आपको चार्ज भी पे करना पड़ सकता है इधर पर। जो भी आप EMI मिस कर जाते हैं तो उधर पर आपको हैवी पेनल्टी देखने को मिल जाती है। अगर आप टाइम टू टाइम EMI पे नहीं करते इस कार्ड की तो हैवी पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। साथ में गाइस इस कार्ड को आप यूज़ करते हैं तो सिंपल से आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप शॉपिंग वेबसाइट पर इस कार्ड का यूज़ करते हो या फिर आप ऑफलाइन यूज करते हैं तो इस कार्ड पर आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सबसे खराब बात आ जाती है इस कार्ड की कि सभी प्रोडक्ट में ये कार्ड एप्लीकेबल नहीं होता, किसी किसी में आप अप्लाई कर सकते हैं इस कार्ड को। सिंपल से इससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं बट सभी प्रोडक्ट में नहीं परचेज कर सकते, तो इसके लिए आप सिंपल से पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कार्ड पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है। तो ये चीजें आपको पहले चेक करनी पड़ेंगी, तभी इस कार्ड के थ्रू आप EMI में किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। साथ में गाइस इस कार्ड के थ्रू आप कोई भी कैश विड्रॉल नहीं कर सकते इधर पर, आप शॉपिंग वेबसाइट पर ही EMI में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं बट कैश विड्रॉल कोई भी तरीके का आप नहीं कर सकते। सो गाइस जितने कुछ फीचर्स आपको इस कार्ड के देखने को मिल जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अपने कंक्लूजन की कि इस कार्ड को आपको लेना चाहिए या फिर आपको नहीं लेना चाहिए, ये कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा या फिर नहीं बेस्ट होगा। तो ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। गाइस अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जिसकी लिमिट आपको ठीक ठाक सी देखने को मिल जाए, तो इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इतनी फी मंजूर है, मतलब जो भी आपकी एनुअल फी देखने को मिलती है, अगर आप यूज नहीं करते, आपका यूज नहीं है ज्यादा, तो एनुअल फी को भी आप देख के चलना, और साथ में ज्वाइनिंग फी आपको देखने को मिलती है उसको भी आप देख कर चलना, वो फी आपको पे करनी पड़ेगी तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। फ्री कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फ्री सोचकर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो आप इस कार्ड को मत अप्लाई करना, क्योंकि वो कार्ड आपके बेटर होंगे इस कार्ड से। साथ में वो बंदा अप्लाई कर सकते हैं जिनको आपको कार्ड नहीं मिल रहा जल्दी फल्दी बैंकों से, और साथ में आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक सा है, तो इस कार्ड को अप्लाई करिए। आपको लिमिट 30,000 से 40,000 आराम से देखने को मिल जाएगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा किसी बैंक का कार्ड लीजिए, वो ज्यादा आपको बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। सभी डिटेल मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दी है। कोई भी आपके डाउट हो तो सिंपल से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उधर पर मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स वॉचिंग गाइस।